और आइए सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण, इस सभी लोग लगातार इस बात पर बराबर जोर देते रहे हैं कि दिल्ली में, लखनऊ में जब जाते हैं तो केवल और केवल बुंदेलखंड की बात करके यहां के लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं वहां पर, कि वहां पर कार्य होना चाहिए। और फिर महोबा से तो हमारा विशेष लगाव है। मैं पिछली बार आया था महोबा में और उस समय मैंने यहां पे देखा था, यहां पर यह वीर भूमि तो है ही, आस्था की भूमि भी है और साथ साथ यहां पे मुझे बहुत कुछ वह चीजें देखने को मिली जो हमें हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों परंपराओं के साथ जोड़ता है। हमारी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी लोग यहां के विकास में सहभागी बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश सरकार जो कुछ भी कर पा रही है, भारत सरकार के सहयोग से हम तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए ना, कितने वर्षों से अर्जुन सहायक परियोजना लंबित थी, ये 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकारों ने वंचित किया था, 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था, 15,000 हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नव सृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपने कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। ये सिंचाई जब आपके खेतों में पहुंचेगी, पानी जब यहां के खेतों में पहुंचेगा तो यहां की बुंदेलखंड की खेती सोने उगलने का काम करेगा, सोना उगलने का काम करेगा, यथार संभावना यहां। और आज तो बुंदेलखंड हम लोग एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर भी दे रहे हैं, पेयजल के लिए हर घर